बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत बाथू गांव के श्री गोविंद सिंह जी राजकीय उच्च विद्यालय गुरु पलाहा में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल का पहला मैच बाथू ए और बाथू बी के बीच खेला गया। सुखराम चौधरी ने कहा कि इस खेल महाकुंभ के दौरान क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसी स्पर्धाएँ आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में प्रदेश की 2100 टीमों के लगभग 1,00,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन स्पर्धाओं के विजेताओं को 50,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा और हजारों प्रतिभागियों को टी शर्ट, मेडल और ट्रॉफी वितरित की जाएगी। सुखराम चौधरी ने कहा कि इस अनूठे आयोजन के माध्यम से क्षेत्र की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेंगे। स्थानीय गांव गुरपड़ा बाथू के बहन सुयोगिता जी हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी आ गए हैं, और बहन सुनीता जी बीडीसी मेंबर। आज से इसका आरंभ हो रहा है और आदरणीय सुखराम जी द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से रोली के सभी लोगों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। मेरे से पहले सुमित जी बता के ये हैं कि लगभग 2.5 साल पहले ये सारा खेल शुरू हुआ था, बीच में कोविड आ गया, तो कोविड के कारण 2 साल ये हमारी प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिता नहीं, एक अवसर है प्रतिभा को उभारने का, हमारे युवाओं को, नौजवानों को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक अवसर इस खेल महाकुंभ के द्वारा दिया जा रहा था, वो कोविड के कारण रुका, लेकिन अब स्थिति थोड़ा अनुकूल हुई है, सामान्य हुई है, तो फिर से ये महाकुंभ शुरू हुआ है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लगभग 100 के आसपास टीम्स हैं, कोई डेली विधानसभा क्षेत्र से, तो हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से ये शुरू हुआ है। विधानसभा क्षेत्र है, आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमें वो समय में नहीं भूलना चाहिए, आज से 4 साल पहले हमारे क्षेत्र के हालात क्या थे, हमारा तरफ जा